उपिट्टू रेसिपी। साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं तो यह रेसिपी है बेस्ट। इस रेसिपी में इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियों में प्याज, टमाटर और अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आप मटर, गाजर और अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं। कई लोग उपिट्टू को स्वादिष्ट बनाने के लिए रेसिपी में भुनी हुई मूँगफली और काजू भी मिलाते हैं। उपिट्टू को हमेशा छोटी कटोरी में भरकर और फिर प्लेट में पलटकर गुबंद के आकार की संरचना बनाकर परोसा जाता है। इस रेसिपी को ज़रूर अजमाएं। एक पैन में तेल गरम करें, हींग, राई, उड़द दाल, चना दाल, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालें। इन्हें 1 से 2 मिनट तक भूनिए। अब इसमें कटा हुआ प्याज और अदरक डालें, उन्हें कुछ और मिनट तक भून लें। अंत में स्वाद अनुसार नमक के साथ कटा हुआ टमाटर डालें। बस कुछ मिनटों के लिए भूनें। अब पैन में 3 कप उबलता पानी डालें और थोड़ा सा मिला लें। अब पानी में भुनी हुई सूजी डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां ना पड़ें। हिलाते रहें और इसी चरण में घी डालें। मिश्रण को तब तक पकने दें जब तक सूजी सारा पानी सोख ना ले और गाढ़ी ना हो जाए। अब उपिट्टू को छोटी कटोरी में भरें और इसे आकार में रहने दें। अब कटोरी को एक प्लेट में पलट कर सर्व करें। यह उपिट्टू का आनंद लेने का क्लासिक तरीका है। आप इसे काजू से भी सजा सकते हैं।